कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए एक महीना हो गया है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों को सरकार और दानदाताओं के द्वारा खाना और जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन इस पर भी बयानबाजी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का प्रयास भी किया गया है, जिसके लिए अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर कोरोना को हराने में लगे हैं। जयपुर के रामगंज से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण चार दीवारी से बाहर कई इलाकों तक फैल गया है, जिससे चिकित्सा कर्मी भी लगातार चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करना एक चुनौती बन गया है। इसको लेकर केंद्र से भी एक टीम आई हुई है, जो कोरोना संक्रमित क्षेत्रों, SMS अस्पताल और जिला प्रशासन से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी ले रही है, साथ ही प्रशासन को दिशा निर्देश भी दे रही है। लॉकडाउन की पूरे ज़िले में सख्ती से पालना की जा रही है और जो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पे कर्फ्यू भी घोषित किया गया है और उसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। असेंशियल जो सेवाएं हैं उनकी जो सप्लाई है निर्बाध रूप से बनी रहे इसको लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही है और विशेष रूप से चार दीवारी क्षेत्र का इशू है वहाँ पर इफेक्टिव तरीके से कंटेनमेंट की पालना करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जो आवश्यक सेवाएँ हैं किराने की दूध या अन्य जो सेवाएँ हैं उनको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को आवश्यक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की पालना करने के लिए भी कहा गया है, साथ में सबको PPE इक्विपमेंट्स और N95 मास्क और अन्य जो आवश्यक सेफ्टी उपकरण है उसकी लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर्स को रुकने के लिए हमने अलग से व्यवस्थाएँ की है ताकि वो घर पर डेली बेसिस पर मूवमेंट न कर